राजस्थान में आज से नए युग की शुरुआत हो गई। भजनलाल शर्मा ने अपने जन्मदिन पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 20 साल बाद राजस्थान में वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के अलावा कोई और मुख्यमंत्री बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इस वीडियो में हम दिया कुमारी के सियासी और निजी जीवन के बारे में जानेंगे। एक समय दिया कुमारी को वसुंधरा राजे के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा था। इस पूरे चुनाव में दिया कुमारी का नाम सुर्खियों में रहा। नतीजों के बाद भी वो मुख्यमंत्री की रेस में लगातार बनी रही। उन्हें जयपुर की सुरक्षित विद्याधर नगर से लड़ाने के लिए पार्टी के सिटिंग विधायक और वसुंधरा राजे के करीबी नरपत सिंह राजवी का टिकट काट दिया गया था। राजवी सीट से लगातार 3 बार के विधायक थे। टिकट कटने से वो नाराज भी हुए, हालांकि बाद में उन्हें चित्तौड़गढ़ से टिकट देकर बना लिया गया। अब वापस दिया कुमारी पर लौटते हैं। दिया को राजनीति में लाने का क्रेडिट वसुंधरा राजे को जाता है। साल 2013 में वसुंधरा राजे ने एक कार्यक्रम में दिया कुमारी और राजवर्धन सिंह राठौर को बीजेपी में शामिल कराया। हालांकि 3 साल बाद ही वसुंधरा राजे से उनके रिश्ते बिगड़ गए। साल 2016 में दिया और उनकी मां पद्मिनी देवी का वसुंधरा राजे के साथ सार्वजनिक विवाद हो गया, जिसे जयपुर में राजमहल विवाद के नाम से जानते हैं। वसुंधरा के मुख्यमंत्री रहते अतिक्रमण के नाम पर जयपुर विकास प्राधिकरण ने दिया के परिवार के स्वामित्व वाले राजमहल पैलेस होटल के गेट सील कर दिए। तब खूब ड्रामा हुआ था। दिया कुमारी का पॉलिटिकल करियर 1 दशक पुराना है। दिया ने साल 2013 में सवाई माधोपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा और उस समय कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे किरोड़ी लाल मीणा को हरा दिया। हालांकि 2018 में उन्हें टिकट नहीं मिला। 2019 में उन्हें राजसमंद से लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया। 5.5 लाख वोटों के बड़े अंतर से जीतकर दिया कुमारी पहली बार संसद पहुंची। इसके बाद पार्टी में धीरे धीरे उनका कद बढ़ता चला गया। इस बार के चुनाव प्रचार के शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जयपुर में थे, तब मंच मैनेजमेंट का जिम्मा दिया कुमारी के पास था। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में दिया कुमारी को जनता को संबोधित करने का मौका भी मिला। दिया कुमारी महिलाओं के उस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रही थीं जो नारी वंदन अधिनियम के बाद धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री के काफिले के आगे चल रहा था। इस कार्यक्रम में वसुंधरा राजे भी थीं, लेकिन उन्हें दिया कुमारी की तरह अहमियत नहीं मिली। दिया कुमारी की निजी जिंदगी थोड़ी नाटकीय रही है। दिया जयपुर के पूर्व महाराजा दिवंगत ब्रिगेडियर भवानी सिंह की इकलौती बेटी हैं। वही ब्रिगेडियर भवानी सिंह जिन्हें 1971 के युद्ध में वीरता के लिए महावीर चक्र मिला था। अपने राजमहल में काम करने वाले एक कर्मचारी पर ही दिया का दिल आ गया। परिवार की नाराजगी के बावजूद उन्होंने शादी कर ली। हालांकि शादी के 21 साल बाद 2019 में दोनों का तलाक हो गया। जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया करोड़ों की मालकिन है। इस साल के चुनावी हलफनामे के मुताबिक दिया कुमारी की संपत्ति 19 करोड़ रुपए है। दिया ने शेयर बाजार में बड़ा निवेश कर रखा है। उनके पास 75 लाख रुपए के गहने हैं। उन पर किसी तरह का लोन या देनदारी नहीं है। दिया कुमारी ने लंदन के पार्सन्स आर्ट एंड डिजाइन स्कूल से फाइन आर्ट्स डेकोरेटिव पेंटिंग डिप्लोमा की डिग्री हासिल की है। राजनीति के 1 दशक के अनुभव में ही दिया कुमारी को विधायक, विधायक सांसद, फिर विधायक और अब डिप्टी सीएम का बड़ा ताज मिल चुका है।